उत्तराखंड राज्य लीची उत्पादकों में एक बड़ा राज्य है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लीची का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। दरअसल बिहार में बच्चों को चमकी बुखार की खबरों को लीची से जोड़ा जा रहा है। वहीं लीची से चमकी बुखार की खबरों के बावजूद देहरादून की लीची के बाजार में कोई कमी नहीं आई है। लीची के खरीदार और लीची का कारोबार करने वालों ने इसे अफवाह करार दिया है। साथ ही जानकार भी इस मामले को केवल कोरी अफवाह बता रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सीनियर डायरेक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर NS खत्री का कहना है कि कोई फल खाने से या लीची खाने से इस तरह की बीमारी नहीं होती है। सर, ये जो दिमागी बुखार है सर, जिसे चमकिया कहा जा रहा है, सर आखिर सर ये है क्या और ये किस तरीके से फैल रहा है? देखिए, जो आजकल न्यूज़ पेपरों में और चैनलों में काफ़ी चल रहा है, हमने भी देखा है, एक ये जो वायरल इंसेफ्लाइटिस है जो छोटे बच्चे को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, उनको जो है अटैक करता है, और ये एक्चुअली में इंसेफ्लाइटिस है। अब ये गोरखपुर साइड में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के नाम से काफ़ी फेमस था पहले, काफ़ी केसेस वहाँ पे डिटेक्ट होते थे। अब धीरे धीरे उस बेल्ट में तो कंट्रोल हो गया है। मेरे जो तो ऐसा लगता है उसी का असर जो है बिहार में जो एरिया में जो फीवर आया है ये वही इंसेफ्लाइटिस है। नाम जरूर इसका चमकी रखा हुआ, उसके कारण तो मैं नहीं बता सकता क्यों रखा है, लेकिन ये इंसेफ्लाइटिस है। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लीची या किसी फल से कोई ऐसी बीमारी फैलती हो। हाँ, जरूर एटमॉस्फेयर में वायरस होते हैं, वो वायरस के फ्लरअप होने के कारण जो है बीमारी फैलती है। इसका सोर्स जो है एनिमल हो सकता है, एनिमल से जो है ये स्प्रेड हो सकता है। और इसका बचाव ये है कि आप सफाई रखें और इम्यूनाइजेशन कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके फॉगिंग वगैरह करा के इस जो भी जिस भी बेल्ट में ये बीमारी फैली हुई है उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में उद्यान स्पेशलिस्ट डॉक्टर VK तिवारी का भी कहना है कि लीची खाने से बिहार में बच्चों को चमकी बुखार नहीं हुआ है। लीची खाने से कोई बीमार नहीं होता और सालों से लोग लीची खा रहे हैं। सर, एक रूमर फैला है कि जो लीची से चमकी बुखार फैल रहा है, दिमाग का बुखार, जैसे कई बच्चे मर गए हैं। सर, आप एज एक्सपर्ट सर क्या मानते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि लीची से इस तरह का वायरस फैल सकता है? देखिए, लीची एक कुदरती फल पौधा है, फल है जो कि सदियों से उपयोग किया जा रहा है, तो लीची की वजह से तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि जो लीची का फल उन बच्चों ने खाया उसमें कोई कंटामिनेशन हो, कोई मिलावट हो गई हो, या कोई इस प्रकार का वायरस प्रवेश कर गया हो, उस वायरस की वजह से हो सकता है, लीची की वजह से नहीं होता, बट वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और ये कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है। बट लीची को लेकर अफवाह के बावजूद भी लोग जमकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। राजधानी में लोगों ने इस थ्योरी को दरकिनार कर दिया कि लीची खाने से बच्चों को चमकी बुखार होता है। क्या नाम है दीदी आपका? लक्ष्मी बिष्ट। अच्छा, आप अभी यहाँ पे लीची ले रहे थे मैडम जी, तो लीची से किस तरह अफवाह चल रही है कि चमकी बुखार आ गया है, क्या लगता है आपको? अभी तक तो ले गए हम, तो अभी तक तो कोई वो नहीं है कि बुखार आने की कोई संभावना। बच्चों को भी खिलाया हमने और एक डेढ़ हफ्ते से हम भी खा रहे हैं, और अभी तक तो हमको ये वो नहीं हुआ कि बच्चों को अभी ऐसा बुखार आने का जैसे संभावना है तो नहीं है। क्या लगता है, हो सकता है कि लीची से बुखार आ जाए? अभी तो लिया है हमको, तो अभी नहीं हुआ, अब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हमको भी नहीं होता अभी। जब हमको तो अभी नहीं हुआ है, बच्चे भी खा रहे हैं, अभी इतना वो नहीं है। तो तुम लीची बेच रहे हो, मैं सीजन में देख रहा हूँ तुम्हें कि आप पिछले 10-15 दिनों से लीची बेच रहे हो। लीची बेचते हुए क्या किसी ने कोई शिकायत की कि लीची खा के बुखार आ गया? आपने खुद खाई होगी लीची? नहीं जी, कुछ नहीं है। सही है मेरी लीची। तुमने खाई थी लीची? हाँ जी, बहुत खाई, पर हमें कुछ नहीं आया जी, और बाकी वो सब बता रहे बुखार होकर, कुछ नहीं आया। जिस तरीके से टीवी चैनलों में अखबारों में खबर आ रही है लीची खा के बच्चे मर गए, बच्चे वो, क्या लगता है? हमारी लीची में नहीं था कुछ है। सही है हमारी लीची, बिल्कुल बाहर पता नहीं किस दवाई दुए मारते हैं, जो पता नहीं गलत सलत मार दे दवाई, तो मेरे इसलिए वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, तो हमारी लीची सही है, हमारी लीची में कुछ नहीं। 2 जुलाई से खा रहे हैं जी, 2 जुलाई में खत्म हो जाएगी। अच्छा, लीची को खा के कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ना जी ना, कुछ बुखार वगैरह टाइप का जैसे सुनने में आ रहा है कि बिहार में लीची खा के वहाँ बुखार फैल गया है? ना जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। वहीं लीची का कारोबार करने वाले भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इससे उनकी बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
साथ ही उन्होंने कहा कि लोग एक रूटीन के तहत लीची की खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल राजधानी में अभी तक लीची खाने के बाद किसी की तबीयत बिगड़ने और किसी को बुखार जैसी स्थिति को लेकर खबर नहीं आई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।